मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा निवास चंडीगढ़ से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से करनाल जिले की 5 परियोजनाओं का उद्घाटन करके 15,72,58,000 रुपए के विकास कार्यों की सौगात दी है। आपको बता दें कि इन विकास कार्यों को लेकर जिला स्तर पर करनाल के लघु सचिवालय परिसर में सांसद नायब सिंह सैनी द्वारा विधिवत उद्घाटन किया गया। सांसद नायब सिंह सैनी ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कोरोना के संकट काल के दौरान भी प्रदेश में विकास की गति को रुकने नहीं दिया और इस वर्ष भी विकास कार्यों को बढ़ावा देने वाला बजट पेश किया गया है। उन्होंने कहा कि ये बताते हुए मुझे बहुत ही हर्ष का अनुभव हो रहा है कि मुख्यमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रदेश की जनता को 1,411 करोड़ रुपए के करीब 163 विकास कार्यों का एक साथ उद्घाटन एवं शिलान्यास करके बड़ी सौगात दी है। इन विकास कार्यों में 5 परियोजनाएं करनाल की भी शामिल है। सांसद सैनी ने बताया कि जिले की 5 परियोजनाओं में से विकास एवं पंचायत विभाग द्वारा 1,21,26,000 रुपए की लागत से कलामपुरा गांव में सामुदायिक केंद्र बनवाया गया तथा 1,22,75,000 रुपए की लागत से निसिंग के गांव जांबा में स्टेडियम बनवाया गया है। इसी प्रकार लोक निर्माण विभाग द्वारा घरौंडा के गांव बरसत में 5,21,96,000 रुपए की लागत से प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र का भवन तथा हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण द्वारा 4,93,00,000 रुपए की लागत से सेक्टर 16 करनाल में सामुदायिक केंद्र का भवन बनवाया गया है। उन्होंने बताया कि असंध विधानसभा क्षेत्र के गांव जुंडला में 33 KV सबस्टेशन का निर्माण कराया गया है। इस सबस्टेशन के निर्माण पर 3,13,00,000 रुपए की राशि खर्च हुई है। उन्होंने बताया कि इस सबस्टेशन के बनने से आसपास के क्षेत्र में अच्छी वोल्टेज और निर्बाध बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होगी। सांसद नायब सिंह सैनी ने मीडिया के सवाल के जवाब में कहा कि असम व पश्चिम बंगाल के विधानसभा चुनाव में भाजपा भारी बहुमत से जीत हासिल करके सरकार बनाएगी। उन्होंने कहा कि आज पूरे देश में नरेंद्र मोदी की लहर है। भारत सरकार द्वारा करवाए जा रहे विकास कार्यों के प्रति जनता की गहरी आस्था है। इसी का परिणाम है कि आज भारत देश विकास की नई बुलंदियों को छू रहा है। सर, क्या कहना चाहेंगे, आज इतनी परियोजनाओं का उद्घाटन किया है, किस तरीके से सौगात दी है करनाल वासियों? देखिए, लगभग 15 करोड़ रुपए के आज विकास कार्यों का यहाँ करनाल को वो सौगात मिली है। विभिन्न समुदाय केंद्र हैं, चाहे सब स्टेशन का यहाँ पर शिलान्यास हुआ है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी अभी बात करेंगे, परंतु कोरोना जैसा जो वैश्विक संकट था, उस वैश्विक संकट के अंदर भी विकास की गति आदरणीय मुख्यमंत्री मनोहर लाल जी ने वो रुकने नहीं दी, उस गति को और तेज किया है। और जो बजट भी आया है, वो बजट भी हरियाणा प्रदेश के विकास की गति को और तेज करने वाला ये बजट होगा। इससे आमजन को जो आज विकास के कार्यों का उद्घाटन हुआ है, उससे लाभ मिलेगा, लोगों को वो सुविधाएं मिलेंगी, जिन सुविधाओं से लोग। क्या किसानों का डर था इसलिए प्रोग्राम यहाँ पर हुआ? नहीं, देखिए, आदरणीय मुख्यमंत्री जी पूरे प्रदेश के अंदर आज उद्घाटन कर रहे हैं। आज रोहतक के अंदर भी और हमारे क्षेत्र के अंदर भी, करनाल के अंदर भी, पानीपत के अंदर भी, हर जिला स्तर के ऊपर उद्घाटन के कार्यक्रम हो रहे हैं। और ऑनलाइन जो कोरोना का जो संकट है, उसको ध्यान में रखते हुए इस प्रकार ये कार्यक्रम आदरणीय मुख्यमंत्री जी वहाँ से कर रहे हैं। इसके अंदर किसान की कोई डर की बात नहीं है। लगातार हम क्षेत्र के अंदर जा रहे हैं। मैं कल भी पूरा दिन कैथल के अंदर मेरे कार्यक्रम थे और मैंने किसानों से भी बातचीत की है। एक मेरा अलग किसानों के बीच में कार्यक्रम रखा गया था गांव के अंदर, और उस कार्यक्रम के अंदर मैं गया था। मैंने सभी किसानों को कहा है कि आपको अगर कोई ग्रीवेंस है, कोई आपको शंका है, आप डीपली चर्चा कीजिए। तो उन्होंने चर्चा की, उन्होंने बोला कि हम इन बिलों से संतुष्ट हैं और अगर कोई दिक्कत हमें आएगी, हम जरूर आपसे। रामचंद्र जांगड़ा बीजेपी के सांसद हैं, राज्यसभा सांसद, वो कहते हैं जो किसान है वो रोटी तोड़ने के लिए और दारू पीने के लिए बॉर्डर पर बैठे। देखिए, क्योंकि मैंने उनका वक्तव्य नहीं सुना, मैं तो आसाम के अंदर चुनाव के अंदर था। उन्होंने क्या बोला है ये तो रामचंद्र जांगड़ा जी जानते हैं, परंतु इस प्रकार का वो उन्होंने जो बात कही, ऐसा नहीं। किसान हमारे लिए आदरणीय है, क्योंकि किसान इस देश का पेट भरने का काम करता है। और आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो सोच है कि हमने किसान की आय को दुगुना करना है, उस दिशा के अंदर आदरणीय प्रधानमंत्री जी लगातार विभिन्न योजनाओं के माध्यम से किसान को मजबूत करने के अंदर लगे हुए हैं। परंतु जिस प्रकार का विपक्षी दलों ने, कांग्रेस पार्टी ने, जिन्होंने अपने आप तो किसान के लिए कुछ किया नहीं, और किसान को बरगड़ाने का काम, किसान को गुमराह करने का काम, अरे ये अगर कांग्रेस के लोग ये बात बोलते हैं कि 6 सालों के अंदर किसान की हालत नहीं है, कि 6 सालों में तो किसान मजबूत हुआ है, परंतु 55 सालों के अंदर लगातार किसान का शोषण होता रहा है, उसको वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल करते रहे हैं। पहली बार है कि नरेंद्र मोदी जी ने आकर के किसान की चिंता की है और उसको मजबूत करने का उन्होंने ठाना है कि किसान
भी खुशहाल हो, मजबूत हो, उसकी आय दुगनी हो, उसको भी लाभकारी मूल्य मिले, उसको लेकर के आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने विभिन्न योजनाओं के माध्यम इसी के कारण लगता है कि आप भी हलकों में प्रोग्राम नहीं कर पा रहे हैं, 3 महीने से आप कार्यक्रम में नहीं जा रहे हैं। सर मेरे कल के कार्यक्रम में असम के अंदर चुनाव में था, अगर आप मेरे कल के कार्यक्रम देखेंगे और आदरणीय मुख्यमंत्री जी भी लगातार कार्यक्रमों के अंदर रहते हैं, मेरे कैथल के अंदर भी कार्यक्रम है, हमारे सभी विधायक और सभी हमारे सांसद लगातार गाँव के अंदर जा रहे हैं, आप देखते भी होंगे, क्योंकि कल मेरे जितने कार्यक्रम थे मेरे ख्याल से हर आधे घंटे के बाद मेरा गांव के अंदर कार्यक्रम था, इतने कार्यक्रम थे कोवैक्सीन को लेकर के। और मैंने जैसे कहा भी है, किसान पंचायत थी गांव के अंदर, बड़ी पंचायत थी किसानों की, और मेरा एक धार्मिक कार्यक्रम था, उस कार्यक्रम के अंदर बहुत बड़ा कार्यक्रम था उदासीन अखाड़े का, उसके अंदर भी मैं वहाँ पर गया था, लगातार मेरे कार्यक्रम थे, कुरुक्षेत्र के अंदर भी मैं गया था, किसी प्रकार की देखिए कुछ ये लोकतंत्र है, लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार है और यही हमारे लोकतंत्र की खूबसूरती है। जिस प्रकार से आदरणीय मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं तो हरियाणा प्रदेश विकास की गति में आगे बढ़ रहा है, आदरणीय मुख्यमंत्री जी आगे, असम और बंगाल, असम भी जीत रहे हैं और बंगाल भी जीत रहे हैं, नरेंद्र मोदी जी के प्रति आज लोगों की आस्था लगातार देश के अंदर बढ़ती जा रही है। अभी जो सी वोटर्स का भी सर्वे आया था उसके अंदर ये बात कही गई है कि नरेंद्र मोदी जी 2024 के अंदर 321 से ज़्यादा सीटें जीत करके दोबारा तीसरी बार प्रधानमंत्री बन रहे हैं। राकेश जी के संद आ रहे हैं 25 तारीख को, देखिए वो क्योंकि कांग्रेस के हाथों में खेल रहे हैं और वो ठीक नहीं है, क्योंकि किसान की हित की बात करनी चाहिए, वो ऐसी जगह जाकर के किसान की बात कर रहे हैं जहां पर वहां की सरकार ने पश्चिम बंगाल के अंदर किसानों को जो प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि है उससे वंचित उसने रखा है, वहां पर जाकर के किसान के हित की बात कर रहे हैं और उसके पक्ष की बात करते हैं, परंतु हम ये कहना चाहते हैं कि किसान की मजबूती के लिए नरेंद्र मोदी जी काम कर रहे हैं। सभी किसान, सभी किसान नेता जो है कांग्रेस के, आके बात करूंगा, आके बात करूंगा। तो आप देख रहे थे नायब सैनी सांसद कुरुक्षेत्र द्वारा करनाल में विभिन्न विकास कार्य योजनाओं का शुभारंभ एवं उद्घाटन किया है। आप ये तस्वीरें देख रहे हैं करनाल के लघु सचिवालय से, नायब सिंह सैनी सांसद कुरुक्षेत्र द्वारा यहां पहुंचकर विकास कार्यों का उद्घाटन किया गया है। उनके साथ गरोंडा विधायक हरविंदर कल्याण, इंद्री के विधायक राम कुमार कश्यप, नीलोखेड़ी विधायक धर्मपाल गोंदर भी मौजूद रहे। समाचार एक्सप्रेस के लिए सन्नी चौधरी। ब्रेकिंग न्यूज रासबसेरा आपके लिए लेकर आए हैं खास मौका, वो भी हरियाणा सरकार की अफोर्डेबल हाउसिंग योजना के साथ, जिसके तहत आपको मिलेगी 6 लाख रुपए तक की सुविधाओं के रूप में सब्सिडी, जैसे कि फ्री पार्किंग, ईडीसी आईडीसी फ्री, क्लब चार्जेस फ्री और मेंटेनेंस फ्री, और कोई हिडन चार्जेस भी नहीं। तो आज ही बिना देर किए अपने सपनों का घर बुक